चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को जवाब दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है, जिसकी पुष्टि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने खुद ब खुद कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद हरियाणा का क्या उसमें प्रतिक्रिया है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आंदोलन पंजाब में नहीं, हरियाणा में या दिल्ली में जाकर कीजिए, और जो पंजाब में आंदोलन हो रहा है ये हरियाणा में या दिल्ली में होना चाहिए, इसका क्या मतलब समझा जाए सर? देखिए, ये बयान जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात की पुष्टि भी करता है जो पिछले कई महीनों से बार बार हम कहते आए कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस द्वारा समर्थित है, कांग्रेस द्वारा फंडेड है, और ये जत्थेदार जो हैं हरियाणा में बैठा रखे हैं, पंजाब की कांग्रेस पार्टी सरकार ने हमारे यहाँ भेज रखे हैं, और ऐसे बयान देना कहीं भी हरियाणा के हित में, देश के हित में, ना ही ये पंजाब के हित में है। हरियाणा में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। हमारी सबसे अच्छी प्रोक्योरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा भाव देते हैं, सबसे अच्छी मंडी चलती है, किसान हितैषी हमारी योजनाएं हैं, और गन्ने का भाव भी हम पिछले 7 साल में सारे देश में सब प्रदेशों से ज़्यादा देते हैं, और हरियाणा का किसान इसको समझता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी किसान बना के अपने कार्यकर्ताओं को भेज के अव्यवस्था फैलाती है, ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा पीछे हमारे स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि भी किसी भी हालत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना। करनाल में दुर्घटना घटी, सारे कांग्रेस के नेता राजीव राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला, शैलजा जी, नीचे वाले बड़े जबरदस्त ट्वीट किए। कुछ दिनों के बाद पंजाब में जो घटना इसी तरह की घटी मोगा में, किसी भी कांग्रेसी ने ट्वीट नहीं किया, चुपचाप बैठ गए। ये दोहरा चरित्र इनका दिखलाता है, ये साफ दिखलाता है कि हरियाणा में जो ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं ये कांग्रेस समर्थित लोग हैं, और इनकी आंदोलन की वजह से हरियाणा को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है। बहादुरगढ़ के अंदर हमारे जूता उद्योग था, देश का सबसे बड़े कारखाने वहाँ पर लगे हुए, हजारों करोड़ का नुकसान उठा चुका है। कुंडली बॉर्डर में, राई में, आसपास में जितने भी उद्योग धंधे थे, लाखों आदमी काम करते थे, सारे बेरोजगार हो गए, बर्बादी के कगार पर हैं। हमारे आसपास दिल्ली के जो किसान हैं, कोई दूध बेचता था, कोई सब्जियां लेके जाता था, उनको बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस पार्टी इस तरह के आंदोलन करके किसान हितैषी होने का जो ढोंग करती है, देश की अर्थव्यवस्था को खराब करती है, अशांति पैदा करती है, इसको कोई लाभ इसको भी नहीं होगा। कांग्रेस जो है पंजाब में 100% हारेगी, क्योंकि जो गड्ढे खोदता है, हमारे हरियाणा में कहावत है, वो खुद भी उसमें गिरता है, तो इनको नुकसान होगा। सुनील जाखड़ का जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका पहले ही बयान कि ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की समझदारी थी कि उनको पंजाब में ना बैठने दिया गया किसानों को, और उनको आगे मूव कर दिया गया हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ, और अब मुख्यमंत्री का खुद ये कहना कि यहाँ ना बैठे, वहां जाकर बैठे, तो साफ है कि आप लोगों के जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं, सिद्ध सही साबित हो रहे हैं। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि ये जो नई परिपाटी शुरू की है कि चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जिन लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया वो ये फतवा जारी कर दें कि चुने हुए लोगों को हम गांव में नहीं आने देंगे, मंत्रियों को नहीं घुसने देंगे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, विकास की योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे, सड़कों को रोक लेंगे, ये देश के हित में नहीं है। उसी श्रृंखला में आज पंजाब में भी सरकार कांग्रेस की है। पंजाब ने तो ठीक है कि हमारे हरियाणा में अपने समर्थक भेज दिए, लेकिन चुनाव का माहौल है वहाँ पर भी तो दूसरी पार्टी वाले हैं, वहाँ पर
अकाली भी हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी हैं, और ये जो जत्थेदार हैं इनको भी संभावना दिख रही है कि पार्टी बना के चुनाव कर ले, उसका परिणाम इनको भी भोगना पड़ रहा है अब। तो ये जो एक गलत परंपरा डाली जा रही है ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, और हिंसा करना, रास्ते रोकना, उद्योग धंधे बंदे बंद करवा देना, कारोबार बंद करवा देना, ये किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर देश में सर्वश्रेष्ठ किसान हितैषी नीतियाँ हैं, चाहे वो 7 साल से देखो गन्ने का भाव हो, 10 फसलें हम खरीदते हैं, मंडियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, नई मंडी हम बना रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी कन्नौर में, एप्पल मार्केट पिंजौर में, फूलों की मार्केट गुड़गांव में, हमने अभी जमीन लेके 56 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया पिछले 10 दिन पहले किसानों की सहमति से, सरसा के अंदर मंडी बनाएंगे। और ये परसेप्शन पे आंदोलन चला रहे हैं कि मंडियाँ खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, जमीन चली जाएगी, समझ में नहीं आता कि जो चीज़ हुई नहीं और ना ही होने वाली है उसका भय दिखा करके और सड़कों पे लोग बैठ करके देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, आम शहरी को, आम नागरिक को डर लगता है कि सड़क पर निकलते हुए कब रास्ते जाम हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी तरह से कोई भी आम शहरी इसको उचित नहीं बता सकता। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा के किसानों से आपकी अपील क्या है पंजाब के मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान के बाद, इससे पहले सुनील जाखड़ के बयान के बाद, हरियाणा के किसानों से क्या आग्रह है, क्या अपील है कि अब इस आंदोलन को कैसे समझे वो? देखिए, हरियाणा के किसान हमारे भाई बाप हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये पंजाब के जत्थेदार गुमराह कर रहे हैं, ये आपके हित में नहीं है। पंजाब के कांग्रेस पार्टी या देश की कांग्रेस पार्टी आपका भला नहीं चाहती, अगर ये आपके भले में होती तो SYL कभी की आ जाती। आपके लिए जो सबसे मुख्य मुद्दा है नहरी पानी का, हमारा पानी रोके बैठे हैं, ये आपका भला कैसे होने देंगे? तो इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी बातों में ना आए, और बहुत सारे आदमी इस चीज़ को समझ भी चुके हैं और फिर भी जो कुछ आदमी रहते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणा का हित इसमें है कि हमारे यहाँ शांति बहाली हो, और आपको किसान हितैषी कोई और फैसले चाहिए तो उसको लेने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके हित में हम अच्छे अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अच्छे फैसले लेंगे, आपकी समृद्धि के लिए, आपके परिवार की तरक्की के लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है उसके बाद साफ है कि कांग्रेस की मंशा किसान आंदोलन को लेकर क्या है, कांग्रेस ही इस आंदोलन को एक तरह से चला रही है। साथ ही साथ हरियाणा के किसानों से अपील की है कि हरियाणा सरकार हर तरह की नीति बनाने के लिए तैयार है, पहले भी किसान हित में फैसले लिए हैं, और ऐसे में अब इस पूरे आंदोलन की स्थिति को समझे और किसान जो है वो अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था उसको मजबूती के लिए आगे आकर सरकार का सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।